राम राम जी सारे ने, आप सबका स्वागत है किचन रेसिपीज ऑफिशियल में। दोस्तों, करेला स्वाद में कड़वा मगर सेहत के गुणों का खजाना है, लेकिन इसके कड़वा होने के कारण हर कोई इसे खाना पसंद नहीं करता। तो आज मैं अपनी मम्मी के तरीके से गारंटी के साथ इसे बिना कड़वाहट के और बहुत ही आसान तरीके से इसकी रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसे आप एक बार बनाने के बाद बार बार बनाएंगे। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 5 से 6 फ्रेश करेलों को लिया है, जिसके बाद इन्हें साफ पानी से अच्छी तरह वॉश कर लिया है। अब एक चाकू की सहायता से इनके दोनों साइड के पार्ट को कट करके हटा दें। इसके बाद एक प्लेट में सभी करेलों को गोल गोल टुकड़ों में काट लें। दोस्तों, यहाँ पर आप सब्जी की क्वांटिटी अपने हिसाब से रख सकते हैं। अब यहाँ पर करेलों को काट कर तैयार कर लिया है। इसके बाद इसमें 1 छोटा चम्मच सेंधा नमक डालकर इसे 1 चम्मच की सहायता से अच्छी तरह मिक्स करें और 10 मिनट के लिए ढक्कन से ढककर छोड़ दें, जिससे इसका सारा कड़वापन बाहर आ जाए। अब सब्जी में डालने के लिए मैंने यहाँ पर 4 से 5 प्याज, 2 हरी मिर्च, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 8 से 10 लहसुन की कली, इन सभी सामग्री को लिया है। इसके बाद प्याज लहसुन के छिलके को उतारकर प्याज को लंबाई में काट लिया है। अब एक पत्थर की कुंडी में हरी मिर्च, लहसुन, अदरक और साथ में 2 छोटा चम्मच साबुत धनिया, 1 चम्मच सौंफ, जो कि दोनों चीजें तासीर में ठंडी होती हैं और हमारे डाइजेशन के लिए अच्छी रहती हैं। अब इन सभी सामग्री को कुंडी में डालकर इन्हें दरदरा कूट लें। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ, गर्मी के कारण लहसुन अदरक की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। अब करेलों को रखे हुए 10 मिनट हो गए हैं और 10 मिनट बाद इन्होंने थोड़ा सा मॉइस्चर रिलीज कर दिया है। अब इन्हें साफ पानी से कम 3 से 4 बार हाथ से रगड़ते हुए अच्छी तरह वॉश कर लें, क्योंकि अगर नमक रह जाता है तो सब्जी में नमक बहुत ज़्यादा हो जाता है और सब्जी पकने के बाद थोड़ी सी रह जाती है। सब्जी को 3 से 4 बार अच्छी तरह वॉश करने के बाद इसे हाथ की सहायता से अच्छे से निचोड़कर एक बर्तन में निकाल लें। दोस्तों, यहाँ पर आप सब्जी को बिना पानी से वॉश करें, इसके नमक लगे हुए पानी को निचोड़कर भी इसकी सब्जी बना सकते हैं, लेकिन मैं इसे इसी तरीके से बनाती हूँ, जो बिल्कुल भी कड़वी नहीं बनती और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। अब एक लोहे की कढ़ाई में 1 बड़ा चम्मच सरसों तेल डालकर गर्म करने के लिए रखें और जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तब इसमें निचोड़ कर रखे हुए करेलों को डालकर मीडियम गैस पर इन्हें हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करें। इसके बाद इन्हें एक प्लेट में बाहर निकाल लें। दोस्तों, करेला एंटीऑक्सीडेंट और फाइबर से भरपूर होता है और इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट शरीर को डिटॉक्सिफाई करने में मदद करता है और डायबिटीज रोगियों के लिए करेले का सेवन काफी फायदेमंद माना जाता है। अब करेले फ्राई होने के बाद इसी गर्म कढ़ाई में 1/2 बड़ा चम्मच सरसों तेल डालकर गर्म होने दें। इसके बाद इसमें 1 छोटा चम्मच जीरा, 1/4 चम्मच हींग, जो कि हमारे डाइजेशन के लिए अच्छी रहती है, और कुंडी में कुटा हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर इन्हें हल्का ब्राउन होने तक भून लें। अब इसमें कटा हुआ प्याज डालकर प्याज का हल्का कलर चेंज होने तक इसे फ्राई करें। दोस्तों, यहाँ पर प्याज जो होता है वो मीठा होता है और करेले के साथ इसका बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन रहता है। अब प्याज का हल्का कलर चेंज हो गया है, अब इसमें स्वादानुसार सेंधा नमक, 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालकर मसालों को अच्छे से भून लें और जब मसाले अच्छे से भून जाएं तब इसमें फ्राई किए हुए करेलों को डालकर इन्हें चम्मच की सहायता से अच्छी तरह मिक्स करें। अब इसमें 1 चम्मच सौंफ पाउडर डालकर इसे अच्छी तरह मिक्स करें। दोस्तों, यहाँ पर सौंफ पाउडर का इस्तेमाल मैंने दोबारा इसलिए किया है क्योंकि सौंफ पाउडर डालने से सब्जी में एक अच्छा सा फ्लेवर आता है। अब सब्जी को अच्छे से मिक्स करने के बाद मीडियम गैस पर इसे ढककर 3 से 4 मिनट के लिए पकाएं, जिससे सभी मसालों का फ्लेवर इसमें अच्छे से आ जाए और बीच बीच में इसे चम्मच की सहायता से चलाते रहें, जिससे हमारी सब्जी नीचे तली में चिपके ना। सब्जी को 3 से 4 मिनट पकने के बाद इसमें 1 छोटा चम्मच अमचूर पाउडर डाल दें। अमचूर पाउडर का इस्तेमाल करने से सब्जी में कड़वापन नहीं रहता। अब इसे चम्मच की सहायता से अच्छी तरह मिक्स करें और इसके बाद सब्जी को 2 मिनट और पकाएं। अब हमारी सब्जी को पकते हुए 2 मिनट हो गए हैं और यह फाइनली बनकर तैयार हो गई है। अब गैस की फ्लेम को ऑफ कर दें। तो दोस्तों, आप भी इस हेल्दी रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करें और इसके ज़्यादा बेनिफिट्स के लिए सुबह खाली पेट इसके जूस का सेवन करें। खाली पेट इसका सेवन करने से यह हमारे वजन को घटाने में मदद करेगा। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक करना ना भूलें, जिससे मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।